Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 4, Subject Mathematics, Lesson 5, Division, Part 1. दिया गया है गिवन क्वांटिटी और गिवन नंबर्स, उसी को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए एक नंबर से हम डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है दैट इज डिविडेंड। आंसर क्वेश्चन कहलाता है एंड जो बचता है लास्ट में जो लेफ्ट रहते हैं नंबर्स वो कहलाता है रिमाइंडर। ओके, सो एक्सरसाइज फर्स्ट एंड फर्स्ट एक्सरसाइज वी डू इन आवर नोटबुक। सो जल्दी से नोटबुक निकालिए, डेट डालिए, ओके, एंड वी डू एक्सरसाइज वन। फ्रेंड, हियर इज एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द क्वेश्चन यूजिंग टेबल्स। सो इसको हम सिंपली करेंगे क्योंकि हमें देखिए यहाँ ए 72/8। आप सभी जानते हैं ये साइन डिवाइड का साइन होता है, डिवाइड ए मीन्स 72 को 8 से डिवाइड करना है एंड इट इज़ वेरी इजी। 8 की टेबल में 72 कितने टाइम में आता है, सो आंसर इज 9। और आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 8 9 72, क्योंकि यूजिंग टेबल लिखा हुआ है मीन्स आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आप हियर इज बी क्वेश्चन 81/9, सो 81 9, यस 9 9 जा, सो आंसर इज 9। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड द क्वेश्चन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो बेटा यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 396/4, ओके, सो बेटा 4 की टेबल एंड 4 9 जा 36, सो वी डिवाइड 9 टाइम। ओके, देखिए 9 minus 6, सो हियर इज 3, 3 minus 3 इज 0। देखिए 3 से डिवाइड नहीं हो सकता था, 4 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, देन 6 को डाउन किया, नाउ इट इज 36। ओके, सो 4 अगेन 4 की टेबल बोलेंगे, यस, एंड 4 9 36। सो क्वेश्चन क्या हुआ, 99। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हियर इज 1306, ओके, लेट्स डिवाइड 4 2 8, 0। नाउ 3 को डाउन किया, यस 3 इज डिवाइडेड बाय 4, यस और नो? नो, बिकॉज इट इज मीन्स 3 इज लेस देन 4, सो वी कांट डिवाइड। देन देखिए हम नेक्स्ट जो डिजिट होती है उसको डाउन में यानी उसके इक्वल में लिखते हैं, बट उस अगर हमने जो डिजिट डाउन किया है एंड इस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, देन वी पुट 0 हियर। ओके, देन वी डाउन नेक्स्ट डिजिट, नाउ इट इज 30। ओके, सो 4 की टेबल में 4, यस यस यस, जल्दी से बोलिए कितने टाइम में हम डिवाइड करेंगे, यस 7 टाइम, सो 4 7 जा 28।
नाउ देखिए, 0 माइनस 8 मींस 0 यहां से हमें बोरो लेंगे. नाउ 0 बिकम 10 एंड 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2. एंड नाउ इन लास्ट 6 को डाउन किया, सो नाउ इट इज 26. ओके, एंड 4 6 जा 24. सो रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा. सो नाउ क्योंकि हमें तो क्वेश्चन बताना है, सो नाउ 2076. चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. द कॉस्ट ऑफ 8 बैग्स इक्वल्स टू रुपीज 1648. सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल्स टू 1648 डिवाइडेड 8. ओके, नाउ 1648 इसको हम डिवाइड करेंगे, सो 8 टू जा 16. नाउ 0, हमने 4 को डाउन किया, 8 से 4 डिवाइड नहीं कर सकते, देन वी पुट 0 हियर एंड नेक्स्ट डिजिट को डाउन किया, नाउ इट इज 48. ओके, एंड 8 6 जा 48. सो आपको क्लियर हो गया, आंसर लिखते हैं. द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज रुपीज 206. इसे क्लियर ना, इतना इजी है ये, इजी है ना. सो इसी तरीके से बेटे आप प्रॉब्लम सॉल्व एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करेंगे. ओके, और स्टार्ट एक्सरसाइज सेकेंड. वी अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. ओके, सो हियर इज एनी डिजिट, एनी नंबर व्हेन वी डिवाइडेड बाय 1, सो द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. ओके, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर नंबर इटसेल्फ होता है. ओके, इट इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर हो जब वो अपने आप से डिवाइड होता है देन आंसर विल बी 1. 685 डिवाइडेड बाय 685, सो द आंसर इज 1. ओके, इट इज पॉइंट सेकेंड. नाउ पॉइंट सेकेंड, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने पर, यानी कि 5 से मैंने अगर 0 को डिवाइड किया देन द आंसर विल बी 0. हियर इज 0 डिवाइडेड बाय 999, सो द आंसर इज 0. ओके, इट इज थर्ड पॉइंट. एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द चेकिंग मेथड ऑफ डिवीजन. कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिवीजन हमने किया है वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए आपको सिंपली बेटा ये रूल याद रखना है. और रूल क्या है? डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये बेटा चेकिंग मेथड होता है. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज सेकेंड. ओके, एंड एक्सरसाइज सेकेंड फर्स्ट पॉइंट डू इन योर बुक. और जैसे कि अभी आपने प्रॉपर्टीज को समझा है, इसी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करेंगे. एंड नाउ पॉइंट सेकेंड. सो पॉइंट सेकेंड, डिवाइड एंड देन चेक वेदर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज 328 डिवाइडेड बाय 5. ओके, सो फर्स्ट वी डिवाइड 328 एंड 5 6 जा 30. ओके, एंड 2 माइनस 0 इज 2 एंड आपने 8 को डाउन किया, इट इज 28 एंड 5 5 जा 5 5 जा 25 एंड रिमाइंडर इज 3. चलिए अब हम इसको चेक करते हैं. देखिए चेक करेंगे, चेक करते हैं. देखिए डिविडेंड हमारा क्या है, एंड डिवाइड 5 इंटू 65 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 प्लस 3, सो नाउ 25 प्लस 3 28. सो देखिए यही हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है. इट मींस
हमारा जो डिवाइड है वो करेक्ट है। क्लियर हुआ? देखिए डिविडेंड हमारा 328, डिवाइजर है हमारा 5, क्वेश्चन 65, रिमाइंडर 3। इसको मैंने सॉल्व किया पहले फर्स्ट भी मल्टीप्लाइड ओके देन प्लस रिमाइंडर, सो द डिविडेंड इज 328। ओके क्लियर हो गया। सो बेटा इसी तरीके से आप सेकंड पॉइंट कंप्लीट करेंगे। एंड नाउ एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज थर्ड में वी डू डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 एंड हमें क्या करना है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, मीन्स हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों ही फाइंड आउट करना है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस 89 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 8 जा 80 एंड नाउ 9 माइनस 0 इज 9। सो देखिए आंसर क्वेश्चन इक्वल्स टू 8 एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 9। ओके बहुत आसान है ना। यस एंड नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन 683 एंड डिवाइडेड बाय 100। नाउ 100 6 जा 600, रिमाइंडर 83। सो क्वेश्चन इक्वल्स टू 6 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 83। ओके एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड 8927 डिवाइडेड बाय 1000। ओके सो 1000 से 8 टाइम करेंगे देन 8000, सो रिमाइंडर इज 927। नाउ क्वेश्चन 8 एंड रिमाइंडर 927। सो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। यस सो यू डू इन योर नोटबुक। और आप क्या इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आप डिविजिबल बाय 10, 100 एंड 1000। ओके एक्सरसाइज 4 आल्सो डू इन नोटबुक। सो हियर इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर, जो कि आपको आता है। चेकिंग मेथड आप ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में भी समझ चुके हैं एंड प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने चेकिंग मेथड अप्लाई किया था। ओके बट बेटा यहाँ हम बड़ी डिजिट लेंगे, यानी कि किसी बिगर नंबर से बड़े नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। हियर इज 9289 डिवाइडेड बाय 34। अब आप ये बताइए, डू यू नो टेबल ऑफ 34? आपको पता है? नहीं पता? 34 की टेबल या इससे भी बड़ा कोई नंबर है लाइक 72, 84, 96? सो हम कैसे डिवाइड करेंगे इतने बड़े नंबर से? यस आपको पता है, याद है क्या बताया था? यस बेटा जब कभी बिगर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है जिसका जिसकी टेबल हमें लर्न नहीं है, देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर हम टेबल बनाते हैं ना, उसको डिवाइड करते टाइम हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी टेबल बन जाती है ना, और हम इजीली डिवाइड करते हैं। सो चलिए यहाँ पर भी हम करते हैं 92, ओके 34। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें ये देखना होता है जो भी डिजिट है यानी डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड करना है, उस नंबर को हम नियरेस्ट जो होल नंबर है उससे एक इमेजिन करके चलते हैं उस नंबर को, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नियरेस्ट नंबर लेते हैं। जैसे हियर इज 34, 34 को हम 30 मान के चल लेते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होगा 30 से यानी कि 3 की टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। सो हम 34 को देखते हैं 3 टाइम में, 3 4 12, 3 3 9 and 1 10, बट इट इज बिगर। देखिए यहाँ ये 92 है एंड इट इज 102, सो वी टेक 2 टाइम, 34 into 2, 2 4 8 and 2 3 6, सो वी टेक 2 टाइम, सो वी राइट हियर 2 एंड यस 68। नाउ
we subtract. So 2 become 12 and यानी कि हम सब्ट्रैक्शन वाला रूल लेंगे. 2 में से 8 डिवाइड पॉसिबल नहीं है, सो बोरो लेंगे. नाउ 2 बिकम 12 एंड 12 माइनस 8 4 एंड 9 बिकम 8 एंड 8 माइनस 6 इज ओके एंड 8 को हम डाउन करेंगे सो द वैल्यू इज 248. अभी हम ये चेक करेंगे 30 से 24 कितने टाइम में डिवाइड हो सकता था. यस 8 टाइम. सो चलिए 8 टाइम, पहले हम इसको 7 टाइम करते हैं. ओके सो टाइम लेके चलते हैं. 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, देन 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21 एंड 2 23. ओके सो वी राइट हियर एंड so 8 minus 8 0, 4 minus 3 is 1. now हम down करेंगे 9 को. okay and now देखिए 3 time में मैंने 102 लिया था, so we write here 3 and so remainder is 7. okay so बेटा आपको clear हो गया. अब हम इसको check करते हैं it is right or wrong. Dividend equals to divisor into quotient into remainder. So, देखिए हमारा divisor क्या है? 34. Quotient क्या है? 273 and remainder 7. Okay. So, सबसे पहले हम इसको multiply करेंगे. And multiply करेंगे. देखिए, answer is 9282 plus 7. 82 plus 7 किया, then the dividend is 9289. देखिए सेम है ना, it means हमारा ये जो सम हमने किया it is right. okay so checking आपको पता चल गई कि किस तरीके से हम bigger number से बड़े number से divide करते हैं और checking method apply करते हैं. okay so do exercise 4 like this. exercise 5 word problem. So first question is the cost of 7 pen is rupees 364 and what is the cost of 1 pen. Okay so let's start. Here is the cost of 7 pens equals to rupees 364. So the cost of 1 pen equals to 364 divided by 7. Now 7 5 is 35. So 6 minus 5 is 1, 4 ko maine down kiya, now it is 14 and 7 2 ja 14. So the answer yani question equals to 52. So it is our answer. So we write here the cost of 1 pen is rupees 52. Okay and now question, next question. And question is the product of 2 numbers equals to 4560. Okay and if one number of them is 15, so find the other number. The product of 2 number equals to 4560. One number of them equals to 15, other number. So other number hum kaise find out karenge? Yes, we divide. So here is 4560 divided by 15. Okay so 15 1 ja 50, 15 2 ja 30 and 15 3 ja 45. So we take 3 time. Okay so 45. Now we down 6 and beta as we know 6 is not divisible by 15 because it is small number na, smaller than 15. So आपको पता है क्या करेंगे? Yes, we put 0 here and down next digit and it is 0. Now the value is 60. Now 15 की टेबल अगेन yes बोलिए. So yes 15 4 जा 60. So we write here 4 and 60. Okay, so other number is
104 एंड इट इज आवर आंसर। ओके, सो क्लियर हो गया। आप इसी तरीके से अपनी ये एक्सरसाइज भी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, देन आस्क मी। ओके, और आप अपना ध्यान रखना, घर में रहना। माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट वीडियो क्लास वर्क in your mathematics book and notebook in very proper handwriting. So my dear students, it's time to say bye-bye. Take care, stay at home, stay safe and study well at home.